अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरख प्रांत द्वारा दो दिन पूर्व हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी की जिस प्रकार सामूहिक बलात्कार कर बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या करने के संबंध में आज गोरख प्रांत द्वारा सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक भीषण जन आंदोलन करते हुए डीएम को ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को अवगत कराते हुए कि जिस प्रकार से पुलिस द्वारा ढीली कार्रवाई या पुलिस द्वारा जो है कि इसको पूरे घटना को हल्के में ले लेने को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपी तथा साथ में ये विरोध जताते हुए राष्ट्रपति को बताई कि हैदराबाद सरकार ने जिस प्रकार से इस पे पूरी घटना पे प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसका विद्यार्थी परिषद पूरी तरह से विरोध करती है और साथ में राष्ट्रपति को ये अवगत कराती है कि जिस प्रकार पुलिसिया कार्रवाई और जिस प्रकार अन्य प्रकार की जो भी कार्रवाइयाँ समाज में प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है निश्चित तौर पे ये निंदनीय है। कोई भी घटना होती है छोटे स्तर पे होती है या बड़े स्तर पे होती है पुलिस को पूरी तरह से सशक्त और तेज रहना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं जो है हमारी समाज में आम हो गई हैं। हर दो दिन पे हर चार दिन पे हर सप्ताह कुछ ना कुछ ऐसी छेड़खानी नारियों के प्रति महिलाओं के प्रति होती जा रही है तो हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राष्ट्रपति को अवगत कराते हुए ये मांग करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को पूर्ण तरह से इस पर किसी तरह रोक लगाए और प्रशासन को टाइट करते हुए इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं उस पर जो है कि कोई कड़ा कदम उठाने का प्रयास करे जिससे कि हमारी जो बहनें हैं हमारी जो माताएं हैं अपने आप को इस देश में सुरक्षित महसूस कर सके। सौरभ कुमार गौड़, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।